बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आवर टुडेज लेक्चर इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। दिस इज बेसिकली द एक्सटेंशन ऑफ प्रीवियस लेक्चर मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। बोथ टाइप ऑफ गोल्स आर प्रेजेंटेड बाय द यूएनडीपी। यूएनडीपी इज बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग अंडर द यूनाइटेड नेशंस। It has offices in more than 174 countries. They have given these goals and they are also monitoring the various activities related to goals, and they publish the reports related to different countries from where we can trace out the progress of each country in each respective goal. तो आज हम बात करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की। बेसिकली जब न्यू मिलेनियम स्टार्ट हुआ तो उस वक्त यूएनडीपी ने 8 जो है वो डेवलपमेंट गोल्स दिए थे, जिनको हमने मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स का नाम दिया, और 15 साल का ड्यूरेशन दिया गया कि 2000 से लेके 2015 तक अगर कंट्रीज जो है वो इनके ऊपर अमल करते हैं तो वहां पे जो आइडेंटिफाइड एरियाज हैं उनके अंदर प्रोग्रेस होगी। वो एरियाज जो है वो बेसिकली उनका मेन एजेंडा ये था कि दुनिया से गुर्बत और हंगर को खत्म किया जाए, और जो भी पैरामीटर्स जो भी टारगेट्स इनके साथ रिलेटेड थे उनका एक फ्रेमवर्क दिया गया और उसके बाद कंट्रीज के ऊपर छोड़ दिया गया कि वो इनके अपने इन्वेस्टमेंट करें इन एरियाज के अंदर, इन एरियाज को टारगेट करें, तो अल्टीमेटली वहां पे ह्यूमन लाइफ जो है या क्वालिटी लाइफ जो है वो इम्प्लीमेंट होगी। ये प्रोसेस जो है वो चलता रहा तकरीबन 3-4 साल पहले, यानी 2015 जो इनका लास्ट डेट थी, उससे पहले कुछ मीटिंग्स हुई जिनमें देखा गया कि चूंकि प्रोग्रेस बहुत अच्छी हुई है इन एरियाज के अंदर, यानी हंगर जो है वो 50% कम हो गई है, ग्लोबल जो यूनिवर्सल लिटरेसी है प्राइमरी उसमें बड़ा बूस्ट नजर आया है, कम्युनिकेबल डिजीजेस स्पेशली अगर हम एड्स की बात करें तो उसमें 16 टाइम्स मोर एक्सेसिबिलिटी हो गई है पेशेंट की टुवर्ड्स ट्रीटमेंट। तो ये सारी चीजें जो है वो अच्छे इंडिकेटर्स थे, तो इनकी बेस पे ये डिसीजन लिया गया कि अगर हम इन प्रैक्टिसेस को जारी रखें तो शायद जो कोई कमी रह गई है किसी जगह पे, कुछ कंट्रीज उसको अचीव नहीं कर सके, वो भी अचीव करने में काबिल हो जाए। तो फिर ये बेसिकली ये सारे डिसीजन किस में हुए, 2012 में रियो ब्राजील में एक जगह है वहां पे एक समिट हुई जिसमें 192 कंट्रीज जो थे उनकी पार्टिसिपेशन थी, वहां भी ये सारी डिस्कशंस हुई और जो 8 गोल्स थे उनको रीफ्रेज किया गया, उनको मॉडिफाई किया गया। और किस सेंस में मॉडिफिकेशन का मतलब क्या था कि उनको कम्युनिकेट करना इजी हो जाए, उनको अंडरस्टैंड करना इजी हो जाए, वो एक्शन ओरिएंटेड हो जाए। एक्शन ओरिएंटेड मींस के जिनको आइडेंटिफाई करना बाद में कि कोई प्रोग्रेस हुई है या नहीं हुई है, ट्रेस करना जाए वो इजी हो जाए, जिनमें एस्पायरेशन हो, एस्पायरेशन कहते हैं होप को, जिसमें बेटर फ्यूचर की होप नजर आए, ये ग्लोबल इन नेचर होने चाहिए, ऐसे ना लगे कि जैसे किसी एक कंट्री को टारगेट कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं उसमें डेवलपिंग कंट्रीज के भी इश्यूज हैं और उसमें डेवलप्ड कंट्रीज के भी इश्यूज हैं, तो जैसे इन्वायरमेंट और पोल्यूशन और इस तरह की चीजें जो हैं ये डेवलप्ड कंट्रीज इसका मेन रिस्पॉन्सिबल है, इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज, उनको भी पे बैक करना चाहिए दुनिया को इनको इरेडिकेट करके, इन इश्यूज को रिजॉल्व करके। इसी तरह जो पॉवर्टी है, कम एजुकेशन है, पुअर हेल्थ है, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सारे डेवलपिंग कंट्रीज के इश्यूज हैं, तो इनको इस तरह ड्राफ्ट करना कि ये ग्लोबल इन नेचर नजर आए और एप्लीकेबल टू एवरी सिंगल कंट्री इन द वर्ल्ड नजर आए। ठीक है, तो ये 5-6 पॉइंट्स थे जो आपके साथ मैंने शेयर किए हैं। इनकी बेस पे 17 जो है वो गोल ड्राफ्ट किए गए और वो गोल्स जो है वो सब्सिक्वेंटली मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इन गोल्स को जो है वो
एक रेजोल्यूशन के जरिए यूनाइटेड नेशंस में पेश किया गया है, और उस रेजोल्यूशन का नाम क्या था, ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड, और इसमें 17 गोल्स रखे गए और उनके टारगेट्स हैं वो कितने हो गए, 169। जो पिछले हमारे गोल्स थे 8, उनके टारगेट्स थे हमारे पास 18। इसका मतलब है अब इनके ऊपर ज्यादा मेहनत की गई, इनको ज्यादा रिफाइन किया गया, इनको ज्यादा लैबोरेट किया गया, और जो बड़े टारगेट थे उनको ब्रेकअप करके छोटे टारगेट में कन्वर्ट किया गया ताकि उनको मेजर करना इजी हो। तो ये 169 टारगेट्स हैं। तो अब अगर पाकिस्तान की प्रोग्रेस देखनी हो तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पाकिस्तान ने कितने मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स या अब कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर अमल किया है। तो फॉर एग्जांपल फर्स्ट गोल है, उसमें फिर हम आगे देखेंगे कि टारगेट क्या रखे गए थे अचीव करने के लिए। तो क्या ये गोल एज अ होल अचीव हो गया या इसमें से कुछ टारगेट्स जो हमको अचीव कर लिया गया, कुछ के ऊपर काम चल रहा है, ठीक है। तो इस तरह इनकी ट्रेसिंग करना, इनको ट्रैक करना जो कंपैरेटिवली इजी हो गया। तो 2016 जनवरी फर्स्ट, ठीक है, वेरी फर्स्ट डे ऑफ जनवरी और न्यू ईयर इनको इंप्लीमेंट कर दिया गया, ठीक है। यानी 1, 2, 3 कह दिया गया कि अब कंट्रीज जो है ना वो एक रेस शुरू हो चुकी है और वो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम वो इनके ऊपर इंप्लीमेंट शुरू करते हैं। तो ये बेसिकली 17 एरियाज हैं जिनको आइडेंटिफाई किया गया। अब मैं यहाँ पे वन बाय वन इनको आपको साथ लेके चलूंगा। फर्स्ट जो है वो टारगेट कर रहा है पॉवर्टी को, ये पॉवर्टी नहीं होनी चाहिए। दूसरा कहता है कि हंगर नहीं होनी चाहिए, जीरो हंगर, यानी जीरो टॉलरेंस है, 1% भी अंदर नहीं होनी चाहिए। तो फर्स्ट जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल था उसमें ये दोनों इकट्ठे थे। यहाँ पे दोनों को रियलाइजिंग के दोनों की इंपॉर्टेंस जब अपनी जगह पे एग्जिस्ट करती है, इनको लहदा कर दिया गया। गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग की बात की गई है, इसका मतलब है हेल्थ के ऊपर इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है ताकि जो कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं उनको मजीद जो है वो टैकल किया जा सके। इसके बाद एजुकेशन की बात हो रही है जिसको पहले यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन कहा गया, तो यहाँ पे जो है ना वो प्राइमरी से निकल के वो कहता है जी सेकेंडरी एजुकेशन भी होनी चाहिए, हायर एजुकेशन भी होनी चाहिए, वोकेशनल एजुकेशन भी होनी चाहिए, डिप्लोमाज और स्किल डेवलपमेंट के ऊपर भी एम्फिसाइज होना चाहिए। तो सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन से तरक्की नहीं होगी, कंट्रीज को प्रोग्रेस करने के लिए प्राइमरी से लेके हायर एजुकेशन तक जो वो फोकस करना होगा। जेंडर इक्वालिटी वहां पे भी बात की गई थी, यहाँ पे भी बात की गई है, मजीद इसके ऊपर एम्फिसाइज किया गया है कि इसको बेहतर किया जाए। फिर क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन की बात हो रही है कि दुनिया के हर इंडिविजुअल को पीने को साफ पानी अवेलेबल होना चाहिए और हमें अपना एनवायरमेंट जो है उसको साफ सुथरा रखना है। इसके अलावा अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी की बात की गई है। क्लीन एनर्जी से मुराद क्या है कि जैसे कोल से एनर्जी प्रोडक्शन ना की जाए, पेट्रोल से इंडस्ट्री एनर्जी प्रोड्यूस ना करे क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड को ज्यादा एमिट करती हैं चीजें। तो क्लीन एनर्जी सोर्सेज क्या हैं, विंड एनर्जी, हाइड्रल एनर्जी, सोलर एनर्जी, इसके ऊपर एम्फिसाइज करना चाहिए और एनर्जी जो है ना वो अफोर्डेबल होनी चाहिए ताकि लोग इसको, तो आप देखते हैं ना हमें भी यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के जो बिल्स हैं उनका इशू रहता है, तो अफोर्डेबिलिटी जो है ना वो अगर होगी तो उससे इंडस्ट्री जो है वो लो कास्ट प्रोडक्ट्स जो है वो तैयार कर सकेगी। इसके अलावा डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ की बात की गई है। डिसेंट वर्क और इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो डायरेक्टली लिंक्ड है पॉवर्टी रिडक्शन के साथ, फूड सिक्योरिटी के साथ। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो जितनी किसी कंट्री में ज्यादा होगी उतनी वहां पे लोग जो है वो उनकी इकोनॉमिक पावर जो है इंप्रूव करेगी, उनकी परचेजिंग पावर इंप्रूव करेगी और वहां पे पॉवर्टी जो है वो लोअर साइड पे आएगी।
इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई है। जो कंट्रीज हैं वो अगर इनोवेशंस करते हैं, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, आइदर वो कम्युनिकेशन है, आइदर वो रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो वहां पे हमें लोगों को ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, मार्केट तक एक्सेस होती है और अल्टीमेटली वहां पे लोगों का जो लाइफ है वो इम्प्रूव करती है। इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा तो लोग शहरों में भी माइग्रेशन नहीं करेंगे, अर्बन माइग्रेशन को हम रिड्यूस करने में कामयाब हो जाते हैं। अर्बन माइग्रेशन कम होगी तो सिटीज के ऊपर प्रेशर कम पड़ेगा। वहां पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अर्बन स्लम्स में रहते हैं, जिनके पास रहने को प्रॉपर रेजिडेंस नहीं है, जिनको खाने पीने को प्रॉपर चीजें अवेलेबल नहीं है, वो इवन विलेज के अंदर रहने वाले लोगों से भी उनकी हालत जो है वो ज्यादा माइजरेबल है। तो ये सारी चीजें हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर कर लिया जाए, इनोवेशन जो है उसको बेहतर किया जाए, इनइक्वालिटीज को कम करना, ये भी एक टारगेट है इसका भी। और इनइक्वालिटीज से मुराद ये है कि इंडिविजुअल्स के दरमियान इनइक्वालिटीज, कंट्रीज के दरमियान इनइक्वालिटीज, अमीर और गरीब का फर्क खत्म करना, क्योंकि अमीर अमीर से अमीरतर होता जाता है और गरीब से गरीबतर होता जाता है। तो जो रिच कंट्रीज हैं उनको पुअर कंट्रीज की तरफ फोकस करना चाहिए, उनके कर्जे कम करने चाहिए, उनके कर्जे माफ करने चाहिए, उनको एड देनी चाहिए, क्योंकि ये लोग जो हैं अगर अपने कंट्रीज में इनके हालात ठीक हो जाते हैं तो फिर ये इंटरनेशनल माइग्रेशन और इमिग्रेशन को रोका जा सकता है। अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं है लोगों के पास कि वो लीगली या इलीगल तरीके से एक कंट्री छोड़ के दूसरे कंट्री में मूव कर जाए बेटर लाइवलीहुड के लिए। तो अल्टीमेटली जाहिर है वो वहां पे भी जाके कुछ रिसोर्सेज के ऊपर जो है वो स्ट्रेस क्रिएट करते हैं। सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज की बात की गई है, और हमारे अनफॉर्चुनेटली हमने कुछ विटनेस भी किया है कि कुछ सिटीज के अंदर इतनी ज्यादा पॉपुलेशन हो चुकी है कि वहां पे ना तो ट्रांसपोर्टेशन को मैनेज किया जा सकता है, ना वहां पे वाटर सप्लाई का सिस्टम प्रॉपर काम कर रहा है। अगर एक आध बारिश हो जाए तो वाटर सीवरेज जो है वो फेल हो जाता है। तो इन मसलों को हल करने के लिए बेहतर है कि टाउन प्लानिंग की जाए, सिटीज जो है उनके अंदर सस्टेनेबिलिटी को जहन के अंदर रखा जाए, ठीक है, और रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन जो है ये भी एक टारगेट है हमारा कि फूड की प्रोडक्शन जो है वो ज्यूडिशियल तरीके से होना चाहिए, ओवर एक्सप्लाइटेशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि ओवर एक्सप्लाइटेशन ऑफ रिसोर्सेज जो है ये फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ नहीं छोड़ेंगे। इस वक्त का जो वेट लैंड अवेलेबल है या जो क्वालिटी वाटर अवेलेबल है फॉर इरीगेशन पर्पजेज, इसकी फ्यूचर में बहुत ज्यादा कमी होने की गुंजाइश है। तो फूड को प्रोड्यूस इस तरीके से करना है कि उसमें रिसोर्सेज जो है ना वो इन्वायरमेंट की डिग्रेडेशन ना हो, इकोसिस्टम डिस्टर्ब ना हो, और इसके साथ साथ फूड के वेस्ट का एलिमेंट जो है ना उसको भी रोकना है। तो कम प्रोडक्शन के साथ वेस्ट रोक के हम ज्यादा बेनिफिट जो है वो ले सकते हैं। इसके अलावा क्लाइमेट की इम्प्रूवमेंट की बात की गई है कि कैसे ग्रीन हाउस गैसेज जो है उनकी एमिशन को रोकना है, कैसे ट्री प्लांटेशन जो है उसके ऊपर फोकस करना है, ठीक है, ताकि जो क्लाइमेटिक चेंजेस आ रही हैं, जो टेम्परेचर राइज होने की वजह से दुनिया में वेदर जो है उसके अंदर सडन चेंजेस आ रही हैं, उनको किसी तरीके से रोका जा सके। ये क्लाइमेटिक चेंजेस हैं, ये दुनिया में किसी जगह पे ड्राउट लाने का बायस बनेगी, किसी जगह पे ये फेमाइन काज करेंगी, किसी जगह पे तस्नामी फ्लड और इस तरह के प्रॉब्लम आके अरबों डॉलर जो है वो जाया करने का बायस बनती हैं। तो इसलिए इनके ऊपर भी एम्फिसाइज किया गया है कि कंट्रीज जो वो फोकस करें कि इनका लेवल कम किया जा सके। इसके बाद लाइफ बिलो वाटर की बात की गई है, और इसमें बेसिकली एक्वेटिक लाइफ की बात हो रही है। तो अगर हम गौर करें तो बहुत ज्यादा पोल्यूशन जो है वो हम समंदर के अंदर डंप कर रहे हैं, जितना वेस्ट है दुनिया का वो समुद्रों में डंप हो रहा है जाके। समुद्रों के अंदर एसिडिटी इतनी हाई हो गई है कि वहां पे मैरीन लाइफ का जिंदा रहना मुश्किल हो रहा है। बाज दफा आप देखते हैं कि कोई ऑयल टैंकर जो है वो स्पिल कर जाता है समंदर के अंदर, तो वहां पे इतना ज्यादा पानी पोल्यूटेड हो जाता है कि आपको मैरीन लाइफ जो है वो मुर्दा फार्म में समंदर पानी के ऊपर तैरती हुई नजर आती है। इसके अलावा प्लास्टिक वहां पे हम बहुत ज्यादा डंप कर रहे हैं, तो ये प्लास्टिक
और जो बाकी जो कंटेमिनेंट्स हैं, जो पोलूटेंट्स हैं, ये मैरीन लाइफ का जीना जो है उसको मुश्किल कर रहे हैं। और मैरीन लाइफ जो है वो हमारे लिए फूड का एक बहुत बड़ा सोर्स है। लाइफ ऑन लैंड जो है उसको बेहतर करना, इसमें प्लांट फूड्स और एनिमल फूड्स का बैलेंस जो है उसको मेंटेन करना, इसकी बात की गई है। क्योंकि प्लांट फूड्स जो है उनकी प्रोडक्शन में और एनिमल फूड्स जो है उनकी प्रोडक्शन में बहुत सारे इनपुट्स इन्वॉल्व हैं, तो इन इनपुट्स को जुडिशली यूज करना, ठीक है, वो भी एक मेन टारगेट है, ताकि फूड जो है वो ज्यादा अरसा तक और आइंदा आने वाली नस्लों को भी अवेलेबल रहे। पीस एंड जस्टिस की बात हो रही है, तो आप इमेजिन करें कि जहां पे भी कंफ्लिक्ट है, अनरेस्ट है, वहां पे कोई भी बंदा खुशहाल नहीं रह सकता। वहां पे एजुकेशन का सिस्टम डिस्टर्ब होगा, वहां पे हंगर एग्जिस्ट कर रही होगी क्योंकि फूड सप्लाई नहीं है। जहां पे इंसाफ नहीं है वहां पे अमीर और गरीब का एक बहुत बड़ा फर्क क्रिएट हो जाता है और वो एक दूसरे को मरने मारने पे तैयार हो जाते हैं। तो ये आप नेशंस लेवल पे बात कर लें या किसी कंट्री लेवल पे बात कर लें, जहां पे भी अनरेस्ट है वहां पे किसी भी गोल को अचीव करना जो है वो मुश्किल है, हम उसको क्वालिटी लाइफ नहीं कह सकते। और लास्ट में बात की गई है पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, इन गोल्स को अचीव करने के लिए अमीर और गरीब मुल्कों के दरमियान पार्टनरशिप होनी चाहिए। जिनके पास नॉलेज है, जिनके पास सॉल्यूशंस है, उनको उनकी हेल्प करनी चाहिए जिनको इनकी जरूरत है। और एक सेम कंट्री के अंदर बात करें तो ये हकूमत अकेला काम नहीं कर सकती, इंडस्ट्री अकेला काम नहीं कर सकती। इसका मतलब है इंडस्ट्री, एकेडेमिया, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, सिविल सोसाइटी, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, इन सबको मिलके रहना, वो काम करने की जरूरत है। पॉकेट से निकल के, आइसोलेशन से निकल के ज्वाइंटली हैंड जाना, वो ज्वाइंट एफर्ट्स करने की जरूरत है, तो तब जाके इन मसलों को हल किया जा सकता है और दुनिया में गुर्बत को कम किया जा सकता है, भूख और अफलास को कम किया जा सकता है और क्वालिटी लाइफ जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता है। इन मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स जो कि अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में कन्वर्ट हो चुके हैं, इनको अगर हम देखें तो ये मेजॉरिटी इनकी जो है वो डायरेक्टली पीपल के साथ रिलेटेड है। तो नीचे बॉटम में जो 10 गोल्स दिए गए हैं ये डायरेक्टली पीपल के साथ रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल, पॉवर्टी, हर एक का मसला है, हंगर इंडिविजुअल्स का मसला है, हेल्थ इंडिविजुअल के साथ एसोसिएटेड है, एजुकेशन, जेंडर इक्वेलिटी, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, डिसेंट वर्क, ये सारी चीजें जो है ना ये ह्यूमन बीइंग्स के साथ एसोसिएटेड है। तो इनको याद रखने का एक तरीका ये भी है कि 10 जो है वो 17 में से ऐसे हैं कि जो ह्यूमन के साथ इन्वॉल्व है। 5 ऐसे गोल्स हैं कि जो इकोलॉजिकल या इन्वायरमेंट के साथ एसोसिएटेड है। तो इसमें सस्टेनेबल सिटीज और कम्युनिटीज की बात की गई है, इसमें रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन और प्रोडक्शन की बात की गई है, इसमें एक्वेटिक लाइफ की बेहतरी की बात की गई है, इसमें लाइफ ऑन लैंड की जो है ना वो बेटरमेंट की बात की गई है, ठीक है, और इसमें क्लाइमेटिक चेंजेस जो है ना वो उनको टैकल करने की बात की गई है। तो ये 5 गोल्स जो है हमारे वो इन्वायरमेंट के साथ रिलेटेड है। और 2 गोल्स ऐसे हैं कि जो स्पिरिचुअलिटी या एथिक्स के साथ एसोसिएटेड है, ह्यूमैनिटी के साथ एसोसिएटेड है। फॉर एग्जाम्पल, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, ये हर शहरी का राइट है कि उसको इंसाफ मिले, उसको अमन मिले और उसके कंट्री के अंदर इंस्टीट्यूशंस जो है वो स्ट्रांग होने चाहिए, कन्फ्लिक्ट का एलिमेंट नहीं होना चाहिए, चाहे वो पार्लियामेंट है, चाहे वो ज्यूडिशरी है, इन सबको आपस में कोऑर्डिनेट करना चाहिए और एक दूसरे को स्ट्रेंथन करना चाहिए। स्पिरिचुअल अगर हम देखें तो इसमें एक पार्टनरशिप की भी बात आ जाती है, ये इखलाकी फरीजा है अमीर मुल्कों का कि वो गरीबों की मदद करें। ये एथिकल आता है अमीर के ऊपर के वो गरीब का ख्याल रखे। तो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हुआ है कि अपने हमसाये का ख्याल रखें, यानी चैरिटी बिगेन्स एट होम
और फिर नेबरहुड है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो हम दूसरे लोगों की हेल्प कर सकते हैं। और यहाँ तक आ गया है कि उस हम बंदे की इबादत कबूल नहीं होती कि जिसका हम साया जो वो भूखा सो रहा हो। तो ऑफकोर्स हमें अपने इर्द गिर्द देखना चाहिए और ऐसे लोगों को ट्रेस करना चाहिए कि जो माइजरी जो है उनको फेस कर रहे हैं, जिनको हेल्थ के इश्यूज हैं, जिनको इकोनॉमिक इश्यूज हैं, और अपनी कैपेसिटी के अंदर रहते हुए उनकी हेल्प करनी चाहिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है जिसमें ये बताया गया है कि ये 17 गोल्स जो हैं इन सब के अंदर न्यूट्रिशन इन्वॉल्व है। तो इनमें से कुछ गोल तो ऐसे हैं कि जो अचीव ही तब होंगे कि जब न्यूट्रिशन बेहतर होगी, यानी एक इंडिविजुअल अगर उसकी न्यूट्रिशन बेहतर है तो उसकी हेल्थ बेहतर होगी, उसकी हेल्थ बेहतर है तो वो ज्यादा काम करेगा, ज्यादा प्रोडक्टिव सिटीजन होगा। इसका मतलब है कि आधे गोल ऐसे हैं कि जो हम तब अचीव करेंगे जब उस सोसाइटी के इंडिविजुअल्स जो हैं उनकी हेल्थ और न्यूट्रिशन जो है वो बेहतर हो, और आधे गोल ऐसे हैं कि जो जिनकी वजह से न्यूट्रिशन बेहतर हो जाती है। कि अगर हम उन गोल्स को अचीव कर लें तो इंडिविजुअल्स की न्यूट्रिशन भी बेहतर हो जाएगी। तो ये आपने खुद गो थ्रू करना है भाई इसको। इसमें जो ब्राउन कलर वाले हैं यहाँ पे की दी गई है, न्यूट्रिशन इज अ वाइटल प्री कंडीशन फॉर अचीविंग दीज गोल्स। जैसे पॉवर्टी खत्म करनी है तो हेल्दी होना जरूरी है, क्योंकि हेल्दी होगा तो काम करेगा ना, काम करेगा तो इनकम आएगी और पॉवर्टी खत्म होगी। गुड न्यूट्रिशन जो है वो प्रोडक्टिव लाइफ देती है, प्रोडक्टिव लाइफ होगी तो फिर हंगर का एलिमेंट जो है वो कम होगा। तो हेल्दी डाइटरी चॉइसेस कैन बी अ गुड फॉर द प्लेनेट। तो अल्टीमेटली लाइफ बिलो वाटर जो है वो आप देख रहे हैं कि वो बेहतर होगी। ठीक है, तो कुछ ये ग्रीन कलर के अंदर जो यहाँ पे गोल्स दिए गए हैं वो ये हैं कि जो अगर हम इनको अचीव करने में कामयाब हो जाते हैं तो अल्टीमेटली दे विल आल्सो इम्प्रूव द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ द इंडिविजुअल्स इन स्पेसिफिक कंट्री और एरिया। फॉर एग्जाम्पल क्लाइमेटिक चेंज को हम कंट्रोल करने में कामयाब हो जाएं तो देयर विल बी बेटर प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स, सीजनल वेरिएशंस कम आएंगी, क्रॉप बेहतर प्रोड्यूस होगी। तो जब फूड की फरावानी होगी तो अल्टीमेटली न्यूट्रिशन जो है वो बेहतर होगी। इसी तरह इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जिन कंट्रीज में इंडस्ट्री आ गई है, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो गया है, तो वहां पे इकोनॉमिक साइकिल जो है वो बेहतर चलना शुरू हो जाता है और अल्टीमेटली वहां पे न्यूट्रिशन जो है वो भी इम्प्रूव होना शुरू हो जाती है। तो वही चाइनीज जिनको हम इसी दौर में कहते थे कि इनका कद जो है वो 6 इंच दुनिया से कम है, अब चाइनीज की हाइट जो है वो एक इशू नहीं रहा। उन्होंने हाइट को कैसे इम्प्रूव किया? थ्रू बेटर न्यूट्रिशन, थ्रू इम्प्रूव न्यूट्रिशन। तो अब ये एविडेंस है हमारे पास कि अगर हम $1 इन्वेस्ट करें उन एक्टिविटीज के अंदर जहां से न्यूट्रिशन को बेहतर किया जा सकता है, तो फ्यूचर में हम $16 जो है वो कमा सकते हैं। ₹1 लगाने से ₹16 जो है वो मिल सकते हैं। मुझे बताएं कि ऐसा बिजनेस कहां मिलेगा दुनिया में। इट मीन्स कि अगर गवर्नमेंट्स जो हैं वो अपने GDP का एक थोड़ा सा प्रोपोर्शन भी लोगों के ऊपर, उनकी वेलफेयर के ऊपर, उनकी हेल्थ के ऊपर, उनकी एजुकेशन के ऊपर, उनकी फूड के ऊपर लगाना शुरू कर दे, तो ये जो इन्वेस्टमेंट होगी कल को ये प्रोडक्टिव सिटीजन की फॉर्म में नजर आएगी। इन लोगों का IQ लेवल बेहतर होगा, ये लोग इनोवेशंस की तरफ जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान इस वक्त इनोवेशंस की बात करें तो 130th पोजीशन पे है, 113th पोजीशन है इसकी आउट ऑलमोस्ट 150 कंट्रीज के अंदर। आप बात कर लें, एक तरफ आबादी में हम 5वें नंबर पे, मिसाइल टेक्नोलॉजी में हम top 5 में, एटॉमिक पावर top 7 में, बहुत सारी एग्रीकल्चरल कमोडिटीज top 10 के अंदर शामिल होती हैं जो पाकिस्तान प्रोड्यूस करते हैं। तो अब इन चीजों का क्या फायदा? इन चीजों का फायदा तब भी है कि जब हम लोगों की न्यूट्रिशन को बेहतर करें। न्यूट्रिशन बेहतर करेंगे तो अल्टीमेटली लोग जो है वो क्वालिटी लाइफ की तरफ आएंगे। हेल्थ सेक्टर के ऊपर इतना लोड नहीं होगा
जितना हमें हॉस्पिटल्स में नजर आता है। हमारे बच्चे जो हैं वो इनोवेशन की तरफ मूव करेंगे, मियरली कट पेस्ट की तरफ नहीं जाएंगे। ठीक है, तो ये भाई स्लाइड इंपॉर्टेंट है, इसको फोकस कीजिएगा। अगेन एक और स्लाइड है जिसमें ये बताया गया कि न्यूट्रिशन जो है ना वो असेंशियल है फॉर द सक्सेस ऑफ ऑल द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करना चाहते हैं तो अल्टीमेटली न्यूट्रिशन को बेहतर करना होगा। तो फॉर एग्जाम्पल हाई लेवल्स ऑफ माल न्यूट्रिशन, 8 नंबर पे फोकस करें जी। हाई लेवल्स ऑफ माल न्यूट्रिशन इन सम कंट्रीज में रिजल्ट इन ऑलमोस्ट 11% लॉस ऑफ द जीडीपी। आप इमेजिन करें पाकिस्तान में जीडीपी का जो है वो अगर 3-4% रिपोर्टेड है भाई लॉस माल न्यूट्रिशन की वजह से, और ये कितने के बराबर है, कम अज कम 1200 अरब, यानी 1200 अरब रुपया हमारा इस वजह से लॉस हो रहा है कंट्री का कि हम माल नॉरिश सोसाइटी हैं। अगर हम माल न्यूट्रिशन के ऊपर फोकस करना शुरू करते हैं, इसको हमने ख़त्म करना है, जैसे कि हमारी जो करंट गवर्नमेंट है उसने लोगों को शुरू में ये मोटिवेट किया है, एस्पायर किया है, रियलाइज़ किया है कि माल न्यूट्रिशन इज देयर, प्राइम मिनिस्टर ने इस चीज़ को रिकग्नाइज किया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक कोई प्रैक्टिकल स्टेप नज़र नहीं आता। तो जब हम इस सेक्टर पे इन्वेस्ट करेंगे तो अल्टीमेटली बाकी चीज़ें जो हैं वो भी बेहतर होती जाएंगी। इस वक्त जो एहसास प्रोग्राम पाकिस्तान में लॉन्च हो चुका है, ये मल्टी टाइप का प्रोजेक्ट है जिसमें बच्चों के लिए स्कॉलरशिप्स भी हैं, जिसमें लोगों के लिए स्टाइपेंड भी है जो बड़े लो लेवल पे पॉवर्टी लेवल से बिलो जो है लाइफ गुजार रहे हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की अगर हम बात करें तो 17 में से 11 जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं वो एहसास प्रोग्राम के अंदर टारगेट किए गए हैं। इट मीन्स कि अगर एहसास प्रोग्राम कामयाब होता है तो 11 जो प्रोग्राम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं पाकिस्तान उनके अंदर प्रोग्रेस कर लेगा। इनके अब वन बाय वन इनको बात कर लेते हैं। फर्स्ट जो है वो नो पॉवर्टी को डील कर रहा है, तो हमने देखा है कि अभी भी दुनिया में 800 मिलियन से ज्यादा लोग ऐसे हैं कि जिनकी पर कैपिटा इनकम जो है वो 1.25 अटे है, तो 1.25 डॉलर से कम उनकी इनकम है, तो ये एक्सट्रीम पॉवर्टी है। और ये 800 मिलियन लोग जो हैं ये पूरा यूरोप की पॉपुलेशन के बराबर है। तो अगर हम 800 मिलियन लोगों को इस गुरबत से निकालने में कामयाब हो जाएं तो वो मिडिल क्लास में फाल करेंगे जिनकी आमदन जो है वो 4 डॉलर है या उससे ज़्यादा है, या वो अमीर लोगों में शामिल होना शुरू हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली जब पावर्टी ख़त्म होगी तो फिर हंगर, एजुकेशन और ये सारे इश्यूज हैं उनको भी साथ एड्रेस करेगी। ज़ीरो हंगर जो है इसकी अगर हम बात करें तो नो डाउट 50% जो हंगर है वो कम हो गई है 15 सालों में, 2000 से लेके 2015 तक 50% रिडक्शन है, लेकिन स्टिल 1 out of every 9 इंडिविजुअल्स ऑन द अर्थ गो टू द बेड एवरी नाइट विदाउट फूड। स्टिल ये एक हाई नंबर है, इसको कम करने की ज़रूरत है। और वो कंट्रीज जहाँ पे फेमाइन है, ड्राउट है, जिनका फूड प्रोडक्शन सिस्टम डिस्टर्ब हो चुका है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है ताकि लोग उनको फूड जो है वो न्यूट्रिशियस और सफिशेंट फूड जो है वो अवेलेबल हो सके। तो 2030 तक का टारगेट क्या रखा गया कि ये जो लोग रह गए हैं दुनिया में 80-90 करोड़ के करीब ये आबादी बनती है, उनको भी गुरबत से निकाला जाए, उनको भी फूड की सफिशेंट सप्लाई प्रोवाइड की जाए ताकि ज़ीरो हंगर को अचीव किया जाए। तीसरा एस्पेक्ट जो है वो हेल्थ के बारे में डील करता है, और हम समझते हैं कि अगर किसी सोसाइटी की हेल्थ बेहतर है तो वो सोसाइटी जो है वो ज़्यादा प्रोग्रेस करती है। तो अगर हम पिछले 15 साल का एक्सपीरियंस लें तो उसमें कुछ अच्छी चीज़ें भी हुई हैं और कुछ बुरी चीज़ें भी हुई हैं। अच्छी चीज़ों की अगर हम देखें तो चाइल्ड मॉर्टेलिटी रेट जो है वो 50% कम हो गया, मेटरनल जो डेथ है उसका रेट भी 50% कम हो गया, नॉन कम्युनिकेबल जो डिजीजेस, सॉरी जो कम्युनिकेबल डिजीजेस थी, मलेरिया, टीबी, एड्स,
इनका नंबर जो है वो खासी हद तक कम कर दिया। 37 मिलियन लोग जो हैं जिनकी ट्यूबरक्लोसिस की वजह से डेथ होती है उनको बचा लिया गया पिछले 15 साल में। इसी तरह मलेरिया की वजह से जो डेथ होती है उनको काफी हद तक कंट्रोल किया गया। ठीक है, और ये चीजें कैसे पॉसिबल हुई, कहीं पे वैक्सीनेशन डेवलप की गई, कहीं पे मॉस्किटो नेट्स जो है वो डेवलप किए गए, प्रोवाइड किए गए, ठीक है, ओवरऑल हेल्थ को बूस्ट करके। लेकिन स्टिल अगर हम देखें तो 6 मिलियन बच्चे ऐसे हैं जो 5 साल से कम उम्र के हैं और उनकी हर साल जो डेथ हो जाती है। 6 मिलियन बच्चे 5 साल की एज वाले जो हर साल जिनकी डेथ हो जाती है, 6 मिलियन का मतलब है 60 लाख दुनिया में, और मेजॉरिटी ये कहाँ पे रह रही है, डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर। इसका मतलब है कि स्टिल इस गोल के ऊपर काम करने की जरूरत है ताकि इस लेवल को जो है वो खत्म किया जा सके। क्वालिटी एजुकेशन भाई, प्राइमरी एजुकेशन से निकल के अब बात किसकी हो रही है, सेकेंडरी एजुकेशन, यूनिवर्सल हायर एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग्स, ठीक है। पाकिस्तान में 1% से भी कम लोग हैं जो यूनिवर्सिटी लेवल तक एजुकेशन लेते हैं, तो आप लकी वन है भाई, जितने भी लोग हो आप उस 1% में फाल करते हो जो कि यूनिवर्सिटी के अंदर जाके एजुकेशन ले रहे हैं। तो इसमें मजीद जो है वो प्रोग्रेस की जरूरत है, क्योंकि एजुकेशन जो है वो सोसाइटीज को चेंज करती है, नॉलेज मेक द इकोनॉमी। जिन जिन सोसाइटीज ने एजुकेशन के ऊपर काम किया है वहां पे इनोवेशन हुई है, वहां पे टेक्नोलॉजीज आई है, ठीक है, और वहां पे लोगों की लाइफ जो है वो चेंज हो गई है। जेंडर इक्वालिटी भी, इसके बगैर भी प्रोग्रेस नहीं की जा सकती। तो वो कंट्री जहाँ पे 50% फीमेल हों, 50% मेल हों, और वो 50% फीमेल जो हैं वो बिल्कुल मेन स्ट्रीम का हिस्सा ही ना हो, वो पेड वर्क ना करती हूँ, इनकम जनरेशन के अंदर इन्वॉल्व ना हो, तो वो कंट्री कैसे प्रोग्रेस कर सकते। तो नंबर वन, इक्वालिटी इन एजुकेशन, इक्वालिटी इन हेल्थ, ठीक है, इसमें होनी चाहिए। इक्वालिटी इन डिसीजन मेकिंग, मेजॉरिटी जो है ना स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज में देखा गया, और जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, कि वुमेन जो है वो काम तो करती हैं लेकिन बगैर किसी मजदूरी के करती हैं, उसको कहते हैं अनपेड पेड वुमेन वर्क, सच एज चाइल्ड केयर एंड डोमेस्टिक वर्क। यानी घरों में बाहर क्या है भाई, लोगों ने नौकर रखे होते हैं, मेल कमाता है फीमेल कमाता है, तो घर के काम करने के लिए उन्होंने किसी को हायर किया होता है। खाना पकाना फिर फीमेल की ड्यूटी नहीं है, बच्चे संभालना फीमेल की ड्यूटी नहीं है, तो हमारी फीमेल जो है ये अनपेड वर्क के तौर पे ये काम कर रही है, ठीक है। तो ये मुस्लिम कंट्रीज के अंदर स्पेशली एक बहुत बड़ा इशू है। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन भाई, 40% जो है वो लोग या दुनिया में स्टिल ऐसे हैं जिनको ये सहूलतें अवेलेबल नहीं है, यानी वॉश का प्रोग्राम उनको अवेलेबल नहीं है, जिनको पीने को साफ पानी अवेलेबल नहीं है, और सैनिटेशन की फैसिलिटीज उनके पास अवेलेबल नहीं है। मेजॉरिटी जो है वो अभी भी ओपन डेफिकेशन करती है डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर। तो इसमें इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है कि ताकि जो वेटलैंड और रिवर्स हैं, जो फ्रेश वाटर का सोर्स है उनकी, उनको प्रिजर्व किया जा सके। वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजीज होनी चाहिए ताकि वेस्ट वाटर को जो है वो रिसाइकिल किया जा सके, ठीक है, तो फिर इस गोल को हम अचीव कर सकते हैं। अफोर्डेबिलिटी एंड क्लीन एनर्जी, इसमें बात की गई है कि 1.7 अरब लोग थे उनको एक्सेसिबिलिटी हो गई 15 साल में ड्यूरिंग द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, उनको एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी मिल गई, लेकिन स्टिल एक ह्यूज नंबर है दुनिया में जिनको एनर्जी की जरूरत है, और उन कंट्रीज में एनर्जी होगी तो उनकी इंडस्ट्री जो है वो काम करेगी। तो एनर्जी भी कौन सी होनी चाहिए, जो रिन्यूएबल हो, जिसमें पोल्यूशन का एलिमेंट ना हो, जिसमें सोलर सिस्टम की बात की गई है और जिसमें विंड एनर्जी की बात की गई है। डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ है, ये आपस में इंटरलिंक्ड है भी। किसी कंट्री में जितनी ज्यादा वर्क फोर्स काम कर रही होगी उतनी उस कंट्री का GDP जो है वो बेहतर होगा, उसका GNP जो है वो बेहतर होगा। तो जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नहीं वहां पे एंटरप्रेन्योरशिप होना चाहिए, लोगों को छोटे छोटे कारोबार शुरू करने में SMEs स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के अंदर लोगों को प्रमोट करना चाहिए, लोगों को हेल्प आउट करना चाहिए। तो अगर ये SMEs जो है ना वो किसी एरिया में, या एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो किसी एरिया में
तो लोग जॉब सीकर की बजाय जॉब जो है वो देने वाले बन जाएंगे। इंडस्ट्री इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर में फोकस होना चाहिए। इस वक्त 98% इनोवेशन जो है डेवलप्ड कंट्रीज में हो रही है और डेवलपिंग कंट्रीज का शेयर जो है सिर्फ 2% है। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से मंडियों तक चीजें नहीं पहुंचती, फार्मर को उसकी प्रोडक्शन का प्रॉपर सिला नहीं मिलता, ठीक है। तो अल्टीमेटली उनकी जो पॉवर्टी है या उनका जो लाइफ साइकिल है वो पॉवर्टी के इर्द गिर्द जो है वो घूमता रहता है। तो डिजिटल वर्ल्ड जो है वो बहुत ज्यादा तरक्की कर चुकी है और नॉन डिजिटल वर्ल्ड जो है वो बहुत पीछे रह गई है। तो इसमें म्यूचुअल कोलैबोरेशन की जरूरत है ताकि दोनों जो है वो बेनिफिट्स ले सकें। रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज की बात की गई है और ये मैंने आपसे पहले भी बात किया है कि इसमें किसी एक कंट्री के अंदर अमीर गरीब का फर्क या नेशंस के अंदर अमीर और गरीब नेशंस का फर्क जो है उसको कम करना चाहिए। तो 15 साल के अरसे में जितना ज्यादा इस पे एम्फिसाइज किया जाएगा उतना ही जो है ना हम इनके साथ जो एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स हैं उनको कम करने में कामयाब हो जाएंगे। लोगों की माइग्रेशन अगर आप रोकना चाहते हैं ना एक कंट्री से दूसरे कंट्री में आइदर लीगल और इलीगल, तो बेहतर है कि उन कंट्रीज की हेल्प की जाए, उनके मसले जो है उनको हल करने में उनको हेल्प की जाए। सिटीज जो है उनको सस्टेनेबल बनाना, कम्युनिटीज को सस्टेनेबल बनाना, तो इसमें भाई प्लानिंग की बात की गई है। तो किसी दौर में अगर हम 1990 की बात करें तो 10 शहर ऐसे थे जिनकी आबादी 1 करोड़ थी और अब जो है वो 2014 में देखें तो 28 सिटीज ऐसे हो गए जिनकी आबादी 1 करोड़ से बढ़ गई। तो ये जो मेगा सिटीज है ना इनके बहुत सारे चैलेंजेस हैं। यहाँ पे ना तो ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी बेहतर है, ना यहाँ पे हेल्थ की और एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं इक्वल बेसिस पे। लोगों का रहने का जो उनको रेजिडेंसेज अवेलेबल है वो बड़ी माइजरेबल है। तो कराची के मसाइल जेन में रख लें, लाहौर के मसाइल जेन में रख लें। बाहर ये ट्रेंड है, डेवलप कंट्रीज क्या करते हैं कि जब उन्होंने कोई नया शहर आबाद करना होता है तो उस एरिया में एक नई यूनिवर्सिटी खोल देते हैं। तो नई यूनिवर्सिटी जब खुलती है तो वहां पे मार्केट्स भी आ जाती हैं। फूड चेन्स को कहा गया है कि जहां पे भी पॉपुलेशन 10,000 होगी वहां पे उनका आउटलेट खुलना चाहिए। दे आर बाउंड कि वहां पे वो अपनी आउटलेट खोलेंगे। तो जब एक शहर के अंदर एक 10,000 आबादी वाले इलाके में आपको सेम फास्ट फूड की फैसिलिटीज हों, सेम एजुकेशनल फैसिलिटीज हों, सेम हेल्थ की फैसिलिटीज हों, तो फिर इंटरनल माइग्रेशन जो है वो कम होगी। इसके अलावा प्रोडक्शन कंजम्पशन में बैलेंस होना चाहिए, क्लाइमेट को जो है उसकी प्रिजर्वेशन के ऊपर फोकस होना चाहिए, ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन जो है वो हमारे कंट्रोल में होनी चाहिए, वाटर के अंदर जो है वो डंप नहीं करनी चाहिए फालतू चीजें, ठीक है। और इससे जो मैरीन सोर्सेज हैं उनको हम प्रिजर्व करने में कामयाब हो जाएंगे क्योंकि 3 अरब से ज्यादा लोग जो हैं वो दुनिया में मैरीन फूड के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। उनकी इनकम और उनका रहना सहना मैरीन सोर्सेज पे डिपेंड करते हैं। इसके अलावा लाइफ ऑन लैंड की बात करें तो उसमें भी फॉरेस्ट्रेशन, डिफॉरेस्ट्रेशन जो है ना उसको डिस्करेज करना चाहिए क्योंकि दरख्त काटने की वजह से सारी अनडिजायरेबल चेंजेस जो है वो सोसाइटी में आ रही हैं। तो 30% जो है ना वो किसी भी एरिया कंट्री का एरिया जो है वो फॉरेस्ट के अंदर कवर होना चाहिए। पीस जस्टिस और स्ट्रांग इंस्टीट्यूशन होने चाहिए, जहाँ पे इंसाफ होगा वहाँ पे अमीर गरीब की कंफ्लिक्ट नहीं होगी, ठीक है। तो ये नेशनल लेवल पे भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी रिक्वायरमेंट है। कोलैबोरेशन भाई, जिनके पास टेक्नोलॉजीज हैं वो उनकी हेल्प करें, जिनके पास टेक्नोलॉजीज नहीं है, ठीक है। तो जब अमीर गरीब की हेल्प करेगा तो अल्टीमेटली गरीब जो है वो भी अमीर वाले पोजिशन पे आ जाएगा। तो दुनिया में 193 कंट्रीज हैं जिन्होंने एग्रीमेंट किया हुआ है इन गोल्स के ऊपर, तो उनको मिलके जो है ना इनको एक दूसरे को हेल्प आउट करके इनको अचीव करने में एक दूसरे को असिस्ट करना चाहिए ताकि 2030